हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमी स्वाद में। आज हम पत्ता गोभी की एक स्पेशल डिश बनाएंगे। वैसे तो हम इसको सूखी बना के खाते हैं, इसकी सब्जी सूखी बना के खाते हैं, कई प्रकार से बनाया जाता है इसे भी, लेकिन आज हम इसकी करी की बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसकी कोफ्ता करी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पत्ता गोभी लिया है, तो इसे कैबेज भी बोला जाता है, बंद गोभी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे चार टुकड़े में कट कर लिया है और इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो आप इसकी इस तरह की, आपके पास जो भी कोई ग्रेटर होगा उससे आप इसे कद्दूकस कर लीजिए। मेरे पास ये चॉपर है, मैं इसे बारीक कद्दूकस कर लूँगी। तो देखिए, हमने इसे ग्रेटर से इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहते इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं। अब इसका पानी रिलीज होने के लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक से इसका पानी थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा। बाद में हम इसका पानी निचोड़ के इसे सूखा निकालेंगे। तो हम इस तरह से मिला के और इसे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पत्ता गोभी का पूरा पानी निकल लिया और ये देखिए एकदम खुले खुले बन गए। अगर इसका हम पानी नहीं निकालेंगे तो हमारे कोफ्ते अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं बेसन का आटा लूँगी। तो इसमें मैं 4 चम्मच बेसन का आटा डालूँगी जिससे हमारी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। थोड़ा हरा धनिया डालूंगी, एक प्याज डालूंगी, मैंने चॉप कर लिया था इसे, और इसमें मैंने एक हरी मिर्च, 2-3 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेके मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, इसमें डाल दूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। ध्यान रहे, हमने पत्ता गोभी में भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो हम थोड़ा ही नमक डालेंगे इसमें। हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा और बेसन डालेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो मैं यहाँ पे और 2 चम्मच बेसन का आटा डाल दूंगी। तो देखिए, इस तरह से हम बाइंडिंग जितना जितना लगेंगे उतना हम बेसन का आटा डालेंगे। तो इस तरह से हम इसके गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। जितने आपको छोटे बड़े चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसके गोल कोफ्ते बना सकते हैं। इसके कोफ्ते बनते हैं जब तक हमने तेल गरम करने को रख दिया है। तो देखिए, इस तरह से गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे हम। इस तरह से, तो देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसे हम चेक करके देखेंगे, थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे हम। तो देखिए ये गर्म हो चुका है, इसे निकाल लेंगे और हमारे कोफ्ते इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हम अब मीडियम रखेंगे ताकि कोफ्ते ऊपर से ना जले। इसे हम थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम हम लो ही रखेंगे, मीडियम टू लो पे। अगर हम फास्ट पे इसे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे ऊपर से, अंदर कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम लो टू मीडियम पे ही रखेंगे इसे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, देखिए अब इसे निकाल लेंगे हम। तो देखिए हमारे कोफ्ते बनके तैयार है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी के लिए हम यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए, इसे बड़े स्लाइस भी कट कर लिया, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ लिए। अब इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालूंगी। मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 तेज पत्ता डाल दूंगी। अब मैं इसमें 1 प्याज डाल दूंगी, मीडियम साइज से मैंने कट कर लिया था, तो मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं।
देखिए हमारा प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, तो मैं इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। अब इसमें हम हमारी टोमेटो प्यूरी जो बनाई थी हम वो डाल देंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी और इन्हें अच्छे से भून लूंगी। इन्हें हमें तब तक भूनना है टमाटर का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। फिर देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें हम थोड़ा सा मिक्सर का बर्तन धो के पानी डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें। अब इसे उबलने देंगे थोड़ा और इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। ग्रेवी को उबाल आ गया, इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूंगी और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली, इसे मैं थोड़ा सा क्रश करके डाल दूंगी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब जो हमने कोफ्ते बनाए थे इसमें छोड़ देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम लो पे रखेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी कोफ्ता करी बनके तैयार है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब इसे हम निकालेंगे बाउल में। देखिए देखिए हमारे यहाँ पे कोफ्ता करी एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बन गई है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।